तो आप देख सकते हैं ये पत्थर पानी के ऊपर ही रहता है हमेशा, पानी में कभी नहीं डूबता। ये देखिए आप, गाइज वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट व्लॉग। सो अब हम आ चुके अपने घर। आप सोच रहे होंगे कि हम रात को तो मौसी के थे, सडनली घर कैसे आ गए। सो गाइज हम सुबह 10 बजे घर आ चुके थे बिकॉज आपको एक नया कंटेंट भी तो दिखाना है, और इन भाई साहब को तो आप मेरे जानते ही हैं। सभी भाइयों को सुबह की राम राम। सो गाइज अब हम चलते हैं मेरी चाय, मैं तो पीऊंगा चाय बनाए, और आप भैया दूध के साथ बॉर्नविटा। सो काबेंस पिएगा दूध के साथ बॉर्नविटा। तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में चाय पी के। तो गाइस अब हम आ गए हैं दादे मंदिर, तो आइए अब आपको दिखाते हैं मंदिर अपना। आइए तो गाइस ये है जूडो एकेडमी, और यहाँ पीछे ही पार्क है मंदिर के अंदर ही। आपको दिखाते हैं जूडो एकेडमी, यहाँ पे इंडोर जूडो खेला जाता है मैट पे। और ये है हमारा मंदिर फ्रंट गेट। तो वैसे हम आ गए मंदिर के अंदर, ये है व्यू। तो वैसे ये है मंदिर, आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया हुआ। आइए अब आपको मूर्ति के दर्शन कराता हूँ। ये मूर्ति आप अगर देख पा रहे हैं, ये मूर्ति है दादे महाराज की। तो भाई ये देखिए, तो भाई यहाँ पे परिक्रमा लेते हैं दादे की शिले की। जब हम आ चुके हैं मंदिर में, और हम आपको दिखाते हैं और आगे का व्यू, तो लेट्स कम। तो यहाँ पे लेडीज गीत गा रही हैं। ये माँ दुर्गा की प्रतिमा थी, ये खाटू श्याम श्री श्याम महाराज की, ये बजरंगबली महाराज की, जय श्री राम, जय श्री, ये मेरी मैया की, जय श्री वाली माँ। ये विश्वकर्मा भगवान जी। तो ले चलते हैं आपको शिव मंदिर में। ये शनिदेव जी का मंदिर,
तो गाइस हम मिलते हैं आपसे चलते हुए। सुबह जी राम सेतु का पत्थर है, वहीं से लाया गया था ये। तो आप देख सकते हैं ये पत्थर पानी के ऊपर ही रहता है, हमेशा पानी में कभी नहीं डूबता। ये देखिए आप, उस साइड में रखा हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको। गाइस ये है गोरखनाथ धाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ धुनी रमाई जाती है। तो गाइस हम जाते हैं वापस घर बाइक से अपनी। अब हम जा रहे हैं काव्यांश के मामा के यहाँ। हमने खाना वाना खा लिया है और रेडी वेडी हो चुके हैं। मामा बैठे हैं गाड़ी में, चलिए चलते हैं। सो गाइस अब हम चल रहे हैं काव्यांश के मामा के घर। और मैं मास्क थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। और ये रहा काव्यांश। गाइस अब मैं अपने मामा के लिए इसलिए जा रहा हूँ, जो मेरी मम्मी है वो मेरे मामा के घर है, मैं उनको लेने के आ रहा हूँ। गाइस मामा कर रहे हैं आजकल की तरह ड्राइविंग। तो गाइस अब हम चल रहे हैं, तो हम आपको थोड़ा रास्ता दिखाते हैं और फिर मिलते हैं मामी के यहाँ। तो गाइस ये भारत वंदना पार्क है, ये दिल्ली का सबसे बड़ा पार्क बनेगा यहाँ पे। तो आप देखिए ये इसका यहाँ पर बोर्ड बनेगा और ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। दो साल में गाइस ये कह रहे हैं कि पूरा बन जाएगा, लेट्स सी कितने में कंप्लीट होता है। अभी तो इस पर काम चल ही रहा है, स्टार्ट नहीं होता है। अमित शाह यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन करा था। ये 200 एकड़ों में फैला हुआ पार्क जो प्रॉपर बनेगा, दिल्ली का सबसे बड़ा पार्क बनेगा यहाँ। सो गाइस अब हम काव्यांश के मामा के एरिया में एंटर हो चुके हैं, गांव में। तो ये सारे खेत हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए थोड़ी देर में यहाँ से जाएंगे, जो हम जब आपसे करते हैं कंटिन्यू। बाय। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं हमारे मामा के यहाँ। सो ये है मेरा भाई। हेलो गाइस, माय नेम इज शोभिन एंड आई एम क्लास 8 एंड आई एम 13 इयर्स ओल्ड। हेलो गाइस,
ये मामा चाय पीने हैं और ये हमारी पार्टी चल रही है। अरे मेरे मामा, मैं काबू, यशी और प्रिंस का मामा, और आप देख ही रहे हैं, बच्चा लोग एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को। सो गाइस, अब हमारा हो चुका है डिनर टाइम और डिनर में आज बने हमारे चावल। सो गाइस, इसमें चावलों में काव्यांच की फेवरेट चीज है कॉर्न। और गाइस, ये है नींबू का अचार, ये मामी हमारे घर से लाई है अपने, और ये काफी वहां पर फेमस है इनके यहाँ। गाइस, सारे भाई मैं रिक्वेस्ट कर लिया, माँ की कसम, बब्बू की कसम, सबकी कसम दे दी आपको, बस लास्ट बारी बोल रहा हूँ कि मोदी जी की वे में भाइयों बहनों सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और घंटी बजा दो। सो गाइस, प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमारा हौसला और बढ़िया होता है, क्योंकि इससे हमें पावर मिलती है कि आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो हमें और मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं। सो गाइस, अब मैं करूंगा अपनी एडिटिंग और आज काव्यांश गेम नहीं खेल पाएगा, बिकॉज मामी आ गई है, तो गेम पे हो गया काटा। सो गाइस, काव्यांश अब सोएगा, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। सो टाटा बाय।